हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पशु उपचार ओनली सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे एक और प्रोटोजोअल डिसीज़ के बारे में, बबेसियोसिस के बारे में। आखिर बबेसियोसिस गाय, भैंस, भेड़ बकरियों में होने वाली आखिर क्या बीमारी है और इसके क्या लक्षण हैं और इसके उपचार के बारे में बात करेंगे। तो बबेसियोसिस जो है ये टिक बॉर्न डिसीज़ है, यानी कि टिक बॉर्न डिसीज़ का मतलब है गाय भैंस के ऊपर जो जूं चिचड़ियाँ बैठती है उनके अंदर जो होता है, जूं चिचड़ियों के अंदर जो है ये प्रोटोजोवा होता है और इस प्रोटोजोवा का नाम है बबेसिया और बबेसिया नाम होने के कारण इस बीमारी का नाम भी बबेसियोसिस रखा गया है। तो बबेसियोसिस क्या है, आखिर ये प्रोटोजोवा कैसे पशु के शरीर पर अटैक करके उसको बीमार करता है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। क्या होता है कि जब गाय, भैंस, भेड़ बकरियों के ऊपर जूं और चिचड़ियाँ होती है तो उनके अंदर जो एक पैरासाइट यानी कि एक परजीवी जो क्या करता है कि अंदर उसके पैरासाइट जो है जूं चिचड़ियों के अंदर उनके ब्लड के अंदर एक प्रोटोजोवा होता है, उनके खून के अंदर ही बबेसिया नाम का एक प्रोटोजोवा होता है और जब वो पशु के खून को चूसता है तो वो खून के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और ये जो प्रोटोजोवा होता है ये RBC के अंदर जो पशु के शरीर के अंदर जो खून होता है, खून के अंदर RBC होता है और RBC के अंदर ये जो है उसको हीमोग्लोबिन को खाने का काम करता है और हीमोग्लोबिन को ख़त्म करता है। तो जब ये प्रोटोजोवा है हीमोग्लोबिन को ख़त्म करता है, उसको खाने का काम करता है तो हीमोग्लोबिन RBC से टूटने लग जाता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि पेशाब के थ्रू गाय, भैंस, भेड़ बकरियों के पेशाब के थ्रू ब्लड आने लग जाता है, यानी कि खून आने लग जाता है और पेशाब का जो रंग होता है वो कॉफ़ी कलर का होने लगता है लग जाता है और कॉफ़ी कलर और कभी कभी लाल कलर से स्टार्ट होता है और एकदम कॉफ़ी और कॉफ़ी कलर के बाद एकदम डार्क ब्लैक कलर हो जाता है। तो तीन स्टेज में ये पेशाब के थ्रू खून निकलता है। तो इन तीनों स्टेज में क्या होता है कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लाल अगर कलर का आपके पेशाब आ रहा है तो मान के चलिए कि उसके जो प्राथमिक लक्षण है, अगर कॉफ़ी कलर का पेशाब आ रहा है तो ये सेकेंडरी उसका लक्षण है, यानी कि जो ये बीमारी है उसके पशु के शरीर के अंदर वो उसकी सेकेंड स्टेज में पहुँच गई है। और जब पेशाब का रंग बिल्कुल काला आने लग जाता है तो मान के चलिए कि पशु के बचने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये इसके लक्षण क्या है। तो लक्षण तो मैंने आपको तीन बड़े मोटे बता दिए, पर इसके साथ साथ उसमें खाना पीना पशु इसके साथ बंद कर देता है, उसको टेम्परेचर यानी कि बुखार रहता है, पशु बिल्कुल सुस्त हो जाता है। पशु को जब हीमोग्लोबिन इतने ज़्यादा शरीर से बाहर निकल जाता है पेशाब के थ्रू तो पशु को एकदम से कमजोरी आ जाती है, अगर आप इसको चलाएंगे तो लड़खड़ाकर चलेगा। और अगर ये बीमारी किसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर गाय या भैंस में हो गई है तो कभी कभी ये कंडीशन बनती है कि पशु खड़ा भी नहीं हो पाता। तो ये है बबेसियोसिस यानी कि हिमेचोरिया बोले या रेड वाटर बोले या चाहे कोई भी बीमारी बोलिए, ये एक ही प्रोटोजोवल डिसीज़ है। गाय भैंसों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बीमारी होती है तो वो प्रोटोजोवा के कारण होती है और प्रोटोजोवा जो होते हैं टिक्स के माध्यम से होती है। तो टिक्स यानी कि जूं चिचड़ियाँ अगर आप अपने पशुओं को आइवरमेक्टिन इंजेक्शन समय से समय लगाते हैं और इसमें अगर आप दवाई का छिड़काव करते हैं तो दवाई का छिड़काव करेंगे तो आपके पशु के शरीर के ऊपर टिक्स जुएँ चिचड़ा नहीं रहेगी तो आपके पशु भी स्वस्थ रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके इलाज कैसे करें। तो इलाज के लिए सबसे पहले आपको यही करना है कि डाई एमेजिन एसिटेट यानी कि चाहे बेरेनिल इंजेक्शन लगाइए। बेरेनिल इंजेक्शन भैंस के अंदर कम से कम 30 ml डोज की ज़रूरत होगी और गाय के अंदर कम से कम मिनिमम 20 ml डोज लगाना आवश्यक है। बेरेनिल इंजेक्शन के साथ साथ आपको फास्फोरस के इंजेक्शन भैंस हो चाहे गाय हो उसको पूरा 30 ml इंट्रामस्कुलर लगाइए गर्दन के दोनों तरफ 15-15 ml, ताकि पशु का जो है पेशाब बहुत जल्दी साफ हो जाएगा इससे और पशु एकदम से जल्दी से रिकाइए। वहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन की ज़रूरत होगी, वहाँ पर चाहे आप रूमेरिक लगाइए चाहे किसी भी अच्छी हाईवेट लगाइए या किसी भी अच्छी कंपनी का बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन लगाइए। चौथा एक आप इसी में अच्छी रिकवरी के लिए एक अच्छा आप काम कर सकते हैं कि डेक्स्ट्रोस की बोतल चढ़ाइए, उसमें IV दीजिए कम से कम एक समय में 1 लीटर यानी कि 500-500 ml की दो बोतल। ये एक्स के पशु में के ऊपर जूं चिचड़े अगर नहीं बैठती है, अगर नहीं है तो ये बीमारी बिल्कुल भी उनको नहीं होती है। इंजेक्शन आइवरमेक्टिन या चाहे हाईटेक लगाइए चाहे किसी भी कंपनी का अच्छी कंपनी का आइवरमेक्टिन इंजेक्शन अपने पशु को रेगुलर हर 1-1.5 महीने में लगाते रहिए, ताकि आपको प्रोटोजोवल डिसीज से जितनी भी बीमारी होती है उससे आपके पशु स्वस्थ रहेंगे, आपका आर्थिक नुकसान नहीं होगा और आर्थिक नुकसान नहीं होगा तो आपकी आर्थिक भी प्रगति होगी और आप भी
अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।